आजकल के दौर में लिटरेट लिटरेट उसको कहते हैं कि जो पढ़ना लिखना और आईटी बेस्ड कम्युनिकेशन करना सीखे उसको लिटरेट, वो अगर करे तो हमारे शायद काम होंगे। तो अच्छा जवाहर साहब ने कहा था वो इतनी बड़ी खबर नहीं, खबर नहीं थी, हमने ग्रुप भेजा है डॉक्टरों का, ये जी खबर दे रहे हैं आपको, खबर नहीं है ये एक ग्रुप पाकिस्तान, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन ले लिया इन्फॉर्मेशन के पाकिस्तान की तालीमी बेहतर करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस दुनिया को हमेशा सीखना चाहिए जिन्होंने अच्छे काम किए। तो मैंने पूरे पाकिस्तान के जो वाइस चांसलर थे हेल्थ इंडस्ट्रीज के और कुछ सिलेक्टेड उनके पीएमडीसी उन लोगों को यूके का जो रॉयल सिस्टम एजुकेशन का उनको स्टडी करने भेजा है, मैंने कुछ साल जाना था लेकिन मैंने अपने ईडी को भेजा है। हम चाहते हैं कि अपना हेल्थ सिस्टम को भी इम्प्रूव करें, हमारी को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मेरी कौम से भी गुजारिश है और आप भी अगर पेनिट्रेट करें, जैसे कहते हैं ना एजुकेशन एमरजेंसी, उसका मकसद क्या है कि पाकिस्तान में मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत गवर्नमेंट अकेले ये मसले हल नहीं कर सकता, एजुकेशन का ना हेल्थ का, सारों को आगे बढ़ के जो हमारे बहुत से लोग बड़े बिलियनर हैं माशाल्लाह कराची है, बड़े बड़े शहर हैं, रिजनल बड़ी चैरिटी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगले 5-10 साल सिर्फ चैरिटी हेल्थ और एजुकेशन में करें, हमारे मसले हल हो जाए। तो उस हवाले से हम चीज़ों को ठीक भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह दुआ कीजिए, मैं तो बड़ा उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर बेहतर होगा प्रोवाइडर अगर हम कौम बन जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब जो है।